स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है फोर जो है क्वेश्चन फोर का फर्स्ट से लेकर फाइव पार्ट्स। अब क्वेश्चन फाइव की तरफ आते हैं। बट ये कह रहा है कि आप मुझे ये स्टेटमेंट्स आपके सामने बुक रखता हूँ, आप इसे बताएं। ये क्या था, गिव अ रेशन नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/5, दिस वन 5/9 एंड 3/4 के बीच में आप मुझे रेशन नंबर्स बता दें। बेटे इसका आंसर क्या है, अब सिंपल से पहले तो ये किया है कि दोनों नंबर्स को मैंने एक लाइन लाइन सिंग सेम लाइंस, ये बहुत सेम लाइंस हैं, ठीक है। इनको मैंने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइंस पे, ये 5/9 इस पॉइंट पे आएगा और ये 9 बिल्कुल लाइन इसी के नीचे, लेकिन 3/4 यहाँ पर आएगा। अब देखें यहाँ बेटे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखें तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इनके सेंटर में देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने क्या क्या रिजल्ट क्या दे रहा, नंबर ऑफ रेशन नंबर्स बिटवीन 5/5 फॉर एग्जांपल। अब मुझे कैसे पता चला, अब ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, कैसे पता चला, 5 को डिवाइड करें 9 पे तो कुछ वैल्यू आएगी 0.55 और इसे आप डिवाइड करें तो ये 0.744 इस तरह कुछ आंसर आएगा। अब इसके बीच में नंबर्स हैं, मतलब पॉइंट में आना 0.754, तो हम 100 पे आप डिवाइड कर दें, मतलब ये 9 इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो इस तरह आएगा 57.100, 58.10, मतलब 100 पे ना 0.59, 0.60 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, कहाँ तक मैंने कहा मैक्सिमम 0.74 है, यहाँ तक जाएगा। अच्छा, अगर वो कहे कि आप ये तो एक इनके बीट बिटवीन नंबर्स आएगा, अगर वो कहे कि हम सेकंड मेथड में बता रहा हूँ कि इन दोनों का मतलब यहाँ पे ये एम है दूसरा ये एम है एक नंबर, अब इनके सेंटर में अगर नंबर आए तो वो कौन सा आएगा, तो वो उसका तरीका बेटा ये है कि जो नंबर्स गिवन है ना, मैंने इनको सम कर लिया 3/4 + 5 बनाऊँ, ये सम किया, सम करके जब सम किया 47/36 है, इसे मैंने 2 पर डिवाइड किया था, 2 डिवाइड करने के बाद 47/72, तो ये इनके सेंटर में नंबर आएगा, क्लियर। तो ये इसका दूसरा जो मेथड है, इसका सेंटर में नंबर फाइंड कर। तो इसी तरह बेटे आगे देखें, यही क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये देखो ये ऊपर बार लगा है, ठीक है, इसका मतलब मैंने पीछे भी शायद आपको समझाया था कि बेटे बार लगा तो ये रेकरिंग है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 0.67676 इस नंबर रिपीट होता जा रहा है 6767, ठीक है, रेकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इस नंबर्स को अगर आपने रेकरिंग को नॉन टर्म रेशनल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये एक न्यू तरीका है। तो बेटे क्या है, सिंपल मैंने ये किया, नंबर कंसीडर किया, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, अब जो रिपीट हो रहा है ना नंबर, उसको इतनी दफ़ा लिखें, रेकरिंग लाइन बता रही है इतनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, अब जितनी दफ़ा मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं ना जो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अगर 3 होते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते, एक होता है 10 से मल्टीप्लाई, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको बोथ साइड्स पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक 0.2 डिजिट जो है वो राइट पर चला जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट किया इसको जो है इसको फर्स्ट को सेकेंड में से, फर्स्ट को सेकंड में से, तो मुझे आंसर ये मिलेगा। अब इसके साथ एक्स के साथ ये क्या है 90 मल्टीप्लाई हो रहा, मैं इधर आगे डिवाइड कर दूँ तो मुझे ये आंसर मिल गया, तो ये उसमें चला गया रैशनल में, ठीक है। उसने कहा कि इसको आप रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करें, तो ये बट इसी का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड और थर्ड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।